वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो टाइटल से देखिए आपको समझ में आ गया होगा, आज का वीडियो है किचन मेकओवर। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे उनको मैं बता देती हूँ, आई रिसेंटली मूव्ड इनटू अ न्यू अपार्टमेंट। नॉट रिसेंटली, मुझे डेढ़ महीना ऑलरेडी हो चुका है एंड जनवरी में मैं शिफ्ट हुई थी, 1 जनवरी को, एंड फरवरी आप देख ही सकते हैं ऑलमोस्ट आधा खत्म हो चुका है। तो मुझे डेढ़ महीने से ऊपर हो गया है। तो मैंने अपना लिविंग रूम मेकओवर, अपना बैल्कनी मेकओवर ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अभी बचा है बेडरूम मेकओवर, किचन मेकओवर, बाथरूम मेकओवर, स्टूडियो मेकओवर, काफी सारी चीजें स्टिल पेंडिंग है। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ किचन मेकओवर। सो एक्चुअली किचन, बेसिक किचन जो सेटअप है वो तो काफी दिन पहले से हो चुका था, बट वो जो होता है ना, एक क्यूट क्यूट सी चीजें ऐड करना, थोड़े DIYs ऐड करना, क्योंकि मैं अपने हर मेकओवर में DIY जरूर ऐड करती हूँ, कुछ एलिमेंट्स ऐड करना, तो वो सारी चीजों में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो यहाँ पर दिस इज अ सेमी मॉड्यूलर किचन, नॉट एग्जैक्टली मॉड्यूलर। तो हमारा जो पुराना किचन था, जिस पुराने घर में रहती थी, उसका किचन तो एक्चुअली में बहुत छोटा था और उसमें स्टोरेज प्रॉब्लम भी बहुत था। तो यहाँ पर सारे जो प्लेटफॉर्म्स है उसके नीचे ही स्लैब्स दिए हुए हैं, ऊपर कुछ भी नहीं दिया है। बट स्टिल मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है कि मेरे पास अभी एक पूरा पूरा स्लैब, 2-3 जो शेल्स हैं वो खाली हैं। तो यहाँ पर स्टोरेज का एक्सेस कोई इशू नहीं है। ये किचन साइज में भी काफी बड़ा है एंड स्पेशियस है, एंड यहाँ पर लाइट भी काफी सारी आती है। सो आई रियली लव द किचन। मैं पुराने घर का जो छोटा किचन था उसको भी मेकओवर कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। ये जो वीडियो है ये 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। फर्स्ट रहेगा बिफोर मेकओवर, एक कैसा दिखता था। सेकंड पार्ट में DIYs रहेंगे, कुछ DIYs का मैंने शूट किया है, सारे तो मैं नहीं कर पाई हूँ, बट 2-3 DIYs मैंने रिकॉर्ड करे हैं तो मैं वो डाल दूंगी। एंड थर्ड पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगी, एंड लास्ट में हम बिफोर आफ्टर कंपेरिजन एंड जो टूर होता है वो मैं आपको दे दूंगी। और मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों लोग आपको बताऊंगी कि मॉर्निंग में ये कैसा लगता है, इवनिंग में कैसा लगता है। सो यस, आई एम सुपर एक्साइटेड। विदाउट फर्दर डू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो ये है बिफोर मेकओवर। एक्चुअली जब हम एंटर करे थे तब ये इस तरह से किचन दिखता था। बिफोर वाला जो नॉर्मल बेसिक सेटिंग होती है उसकी मेरे पास क्लिपिंग नहीं थी, मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं। तो ये इस तरह से दिखता था, दोनों तरफ स्लैब है, दोनों साइड में, एक तरफ थोड़ा सा थिन है और एक तरफ थोड़ा सा ब्रॉड स्लैब है, और साइड में फ्रिज रखने का जगह है। तो ये जो किचन है ये पर्पल एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पर ईस्ट फेसिंग की तरफ से एक वॉश एरिया है, बैल्कनी है, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा लाइट आती है। तो यस, ये है बिफोर टूर। तो ये हमारा नॉन स्टिकी फ्राइंग पैन था, बहुत पुराना है ये, नाउ वी शिफ्टेड इनटू अ स्टील। तो इसको मैं पहले जो सैंड पेपर है उससे थोड़ा सा रब कर रही हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि इस पर ज़रूरी है, बिकॉज ये नॉन स्टिकी है ना, तो चीज़ों को इस पर स्टिक होना ज़रूरी है, तो आपको सर्फेस को थोड़ा रफ करना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पर मैं पेंट करूँगी, बेस पेंट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, चौक पेंट। सो दिस इज़ नॉट अ इन डेप्थ ट्यूटोरियल, ये सिर्फ मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि मैंने क्या क्या DIYs क्रिएट करे थे। आप इस तरीके का DIY क्रिएट कर सकते हैं विथ योर ओन डिज़ाइन एंड योर ओन क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो वाइट कलर का बेस पेंट किया है, और मैं बहुत रफली कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो टेक्स्चर है ये थोड़ा अनइवन करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो स्पंज वाला ब्रश होता है उसकी हेल्प, दिस इज़ नॉट अ ब्रश एक्चुअली, तो ये जो स्पंज वाला स्टिक होता है इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर थोड़े से कलर्स क्रिएट कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं पिंक कलर एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन का इफेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, लाइटर टू डार्कर इफेक्ट लाइक दिस। इसमें बहुत टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ पर हम एजेस को थोड़ा क्लीन कर रहे हैं। नाउ आई एम टेकिंग दिस क्ले, और यहाँ पर हम क्ले आर्ट करने वाले हैं। तो इस तरह का एक पुराना मेरे पास प्लास्टिक का कंटेनर था, जो कि वेस्ट कंटेनर था, उसको मैं क्या करने वाली हूँ, इसका कैप हटा करके इसको बीच में से कट कर रही हूँ लाइक दिस। और अब मैं इसका एक पार्ट जो है वो यूज़ कर रही हूँ, एंड क्ले की हेल्प से इसको स्टिक कर रही हूँ। ये जो क्ले है ये एयर ड्राई क्ले है, ये बाद में इतनी हार्ड हो जाती है, इट्स लाइक अ स्टोन, स्टोन बन जाता है ये। तो फटाफट से हम यहाँ पर इसको स्टिक कर लेंगे। एंड अब मैं यहाँ पर फ्लावर के शेप में जो ब्रांचेस होती है ना, उसकी ब्रांचेस बना रही हूँ, स्टेम बना रही हूँ इन शॉर्ट बोलूँ तो। तो यहाँ पर मैंने स्टेम्स बना लिया है, एंड एक अगेन ऐसे गोला कट करके मैं ये लीव्स के पैटर्न की जो वो है वो कट कर रही हूँ, एंड इस तरह से मैंने ये सबको स्टिक कर लिया है। और यहाँ पर मैं फिनिशिंग टचेस दे रही हूँ। अगर आपको इन डेप्थ इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो डू लेट मी नो, आई लव टू मेक इट, बट ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं फटाफट आपको यहाँ पर सब बता रही हूँ। एंड यहाँ पर हम थोड़ा और फिनिशिंग टचेस देंगे एंड अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर करेंगे, बिकॉज किचन थोड़ा ऐसा कलर होता है तो मुझे थोड़ा सा कलरफुल ऐड करना था, कलर्स ऐड करने थे। तो यहाँ पर हमारा ये जो DIY है ये कलर्स कर देंगे, तो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ जो पुराना बैम्बू का मेरे पास
चॉपिंग बोर्ड था उसको भी मैंने वाइट कलर से पेंट कर दिया, और यहाँ पर मैं डेकोपैच मेथड से इसमें चीज़ें लगा रही हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, आपको इस तरह का टिश्यू पेपर होता है उसको इन शॉर्ट सिर्फ चिपकाना होता है एक ग्लू की हेल्प से, और उसके ऊपर आपको वार्निश कर देना होता है, दैट्स इट। दिस इज़ वेरी सिंपल, ईजी एंड बहुत सुंदर भी दिखता है ये। तो इसका जो आफ्टर लुक है वो आपको मेकओवर में दोनों के दिख जाएंगे कि फिनिश इसका कैसा आया है। एंड इसमें पहले मैं येलो कलर कर रही थी बट वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको ब्लू कलर किया एंड देन फिर दोनों का मिक्स टेक्सचर मैंने यूज़ किया था, तो वो आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा। खड़े हैं यहाँ पर, मेरा डाइनिंग एरिया है और इसी के जस्ट सामने किचन है, ये दोनों वॉल्स हैं जहाँ से किचन एंटर होता है, मतलब आप लोग किचन के अंदर हैं, मैं किचन के बाहर हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे राइट हैंड साइड में एंड मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एरिया लेफ्ट हैंड साइड में जो आता है, जहाँ पर हमने स्टोरेज किया हुआ है सारे मेरे मसाले के जितने भी चीजें होती है ना, वो सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छे से स्टोर हो गई है। ये जो एक शेल्फ है ये हमने लगाई है, बाकी जितना भी सामान है ना सब कुछ हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया है विदाउट ड्रिलिंग एंड एनीथिंग, वर्टिकल स्पेस क्रिएट करा है। मैं आपको भी पास से जूम इन करके सब बताऊंगी कि क्या क्या चीजें कैसे रखी हुई है। नाउ कमिंग टू दिस कॉर्नर, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ये शेल्फ लगा के रखी है एंड इसको लगाने के लिए हम लोगों ने कार्पेंटर की हेल्प ली थी, बिकॉज यूजली अगर आप टाइल्स पे ड्रिल मारते हैं ना तो इट माइट पॉसिबल कि आपकी जो टाइल्स है वो फट सकती है, तो इसलिए इसके लिए हमने कार्पेंटर की हेल्प ली थी इसको लगाने के लिए। एंड इस शेल्फ में सारी चीजें मेरे जो मसाले थे छोटे छोटे डब्बों में वो सब कुछ यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने ये दो लेयर क्रिएट करी है, तो वो मैंने जुगाड़ किया है, मेरे पास पीआर का पैकेज आया था इसके अंदर, तो मैंने ये खाली डब्बे हैं ये मैंने रख दिया है, उसी में हम लोगों ने ये यहाँ पर हैंग कर दिया है। एंड ये एक रिम है जो कि मैं मिस्टर DIY से लेकर के आई थी, दिस इज़ अ मैश रिंग, ये आराम से ऑनलाइन आपको मिल जाती है, तो वो हमने यहाँ दोनों कॉर्नर्स में इसको हैंग करके रखा है। मैं आपको एक बार ये निकाल के दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है ये, सो लाइक दिस। एंड इस तरह के जो हैंगिंग बास्केट्स हैं ये आपको ऑनलाइन बहुत आराम से मिल जाएंगे, तो वो हमने यहाँ पर हैंग कर दिए हैं। तो यहाँ पर सारे जैसे ये पिस्ता, किशमिस, अंजीर, बादाम, काजू, जो हम लोग डेली बेसिस पे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं वो हमने यहाँ पर रख दिए हैं। एंड ये बहुत ही सही बॉटल्स मैंने मंगवाई थी फ्रॉम मीशो, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, यहाँ पर गोल्डन कलर के इनके कैप्स हैं, तो आप देखेंगे तो ऊपर जितने भी कैप हैं वो सब सिल्वर कलर में है एंड नीचे जितनी भी ग्लास बॉटल्स हैं उसमें गोल्डन कलर का कैप है, तो दिस इज अ गोल्डन सिल्वर कॉम्बिनेशन। देन यहाँ पर हमने जागरी पाउडर रख के रखा हुआ है एंड इसी तरह की एक जो ये वर्टिकल लॉन्ग बॉटल है इसमें मैंने यहाँ पर मनी प्लांट लगा दिया है जस्ट टू एड लिटिल बिट ऑफ ग्रीनरी, बिकॉज ये बहुत ऐसे डल डल सा कलर हो रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया है। नाउ कमिंग टू इसके जो नीचे वाला पार्ट है, ये अगेन हैंगिंग वाले ही कंटेनर्स, हैंगिंग स्टोरेज ही है, तो ये मैंने आइकिया से लिए हुए थे, यहाँ पर मैंने सारे स्पूनस एंड फोक लगा दिया है, ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हैंग हो गया एंड फिक्ट हो गया है। एंड यहाँ पर हमने सारे नाइफ, उसके बाद सर्विंग स्पूनस, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रख के रखी हुई हैं, तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें फिल इन हो गई हैं। नाउ कमिंग टू इसमें हमने इस तरह के ऐसे हुक्स लगा दिए हैं, ठीक है। तो इस हुक्स में अब आप ऐसे जो स्ट्रेनर होते हैं, छोटे स्ट्रेनर होते हैं, वो आप हैंग कर सकते हैं, आप सीजर हैंग कर सकते हैं, जो मर्जी आए वो आप हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा यू नो फेक फ्लावर टाइप का ऐड कर दिया है जस्ट टू ऐड लिटिल बिट ऑफ कलर्स, बिकॉज ये थोड़ा सा वैसा हो रहा था। नाउ कमिंग टू दिस शेल्फ, ये जो थ्री लेयर शेल्फ है ये मैंने अमेजन से मंगवाई है, आई एम लविंग दिस शेल्फ, मतलब अगर मेरे पास ये नहीं होता ना तो मैं ऐसी एक और मंगवाती, यहाँ रखती और इसमें ये सारे मसालों के डब्बे आराम से आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी शेल्फ है तो मैंने ये बड़े कंटेनर्स रखने के लिए मंगवाए हैं। सो यहाँ पर मैंने सॉल्ट, टी एंड शुगर रख के रखा हुआ है, हम लोग एक्चुअली वी आर नॉट अ टी लवर्स, तो हमारी ये वाली जो टी है ना ये भी इनफैक्ट अभी 15-20 दिन चलेगी, तो हम लोग क्या बहुत रेयरली ही टी बनती है। यहाँ पर पीछे घी का डब्बा है जो डेली में हम लोग यूज़ करते हैं दाल के लिए, एंड ये ऑयल डिस्पेंसर है, एंड ये ग्लास का इसलिए नहीं है बिकॉज ये अच्छा चल रहा है तो इसको फेंकने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो हम यही यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद नीचे वाले कंटेनर में आएंगे तो यहाँ पर ऑर्गेनिक हल्दी है, सीजनिंग ऑयल है जो पराठे में लगाते हैं वो हमने अलग से लगा के रखा है, ब्रेड एंड पराठे, कॉफ़ी है पीछे, ब्लैक चना है, ये अभी न्यू एडिशन है तो इसको भी फिल इन करना है, दिस इज़ एक्चुअली अ क्रशर, तो इसमें हमको जो काली मिर्ची होती है, ब्लैक पेपर जो होता है वो अभी ऐड करना है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा एडिशन है ये अगेन। फिर यहाँ पर आते हैं और ये विसल है कुकर की, उसके बाद यहाँ नीचे वाले इसमें आते हैं तो कैल्शियम हल्दी है, यहाँ पर कुछ मसाले जैसे बे लीव्स रखी हुई है, अगेन
ये वो है विसल है एंड यहाँ पर कुछ स्पून्स रखी हुई है, मैंने स्टील की छोटी वाली है, मैंने लोकल मार्केट से लिया था, तो जब भी कोई कंटेनर खाली होता है तो उसमें मैं इसमें से ऐड कर देती हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा जो भी मुझे कुकिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है चीज़ें वो सब कुछ इस एरिया में है। एंड आप देखिए कि ये बिल्कुल क्लटर फ्री लग रहा है। जो बैम्बू की एक शेल्फ होती है, रैक होती है, जो मैं होम सेंटर से लेकर के आई थी, मैंने उसमें ये तीनों चीज़ें रखी हैं। और पीछे बूस्ट का बॉटल है जो कि मैं लेती रही हूँ, आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क, तो वो कभी कभार यूज़ होता है तो वो इसलिए मैं एकदम कॉर्नर में रखती है। तो ये काफ़ी एरिया जो है मुझे खाली मिल गया है यहाँ का। उसके बाद ये मैंने आइकिया से लिया था, तो जो भी मैं कुकिंग करती हूँ, रोटियाँ बनाती हूँ या जो भी चीज़ें होती हैं वो सब मैं यहाँ पर ही रखती जाती हूँ। जितनी भी हॉट चीज़ें होती हैं तो वो सब मैं यहाँ पर रख देती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। काफ़ी अच्छा है ये, हम लोगों की एकदम बेसिक सी गैस है। नाउ कमिंग टू इनके जो नीचे शेल्स हैं, तो ये पर्पल एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में है। एंड इस वाले शेल्फ में आप आएंगे तो कुछ भी बहुत फैंसी नहीं है, ये हमारा गैस सिलेंडर रखा हुआ है। एंड ये जो है ये मेरी टंकी है जो मुझे शादी में मम्मी पापा ने दिया था। कुछ पेपर रोल्स रखे हुए हैं एंड साथ में वो स्टील का जग है, स्टील की परात है, तो कुछ फैंसी नहीं है यहाँ पर, बस ऐसे बेसिक सा सामान है। नाउ कमिंग टू दिस शेल्फ, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, तो यहाँ पर भी एकदम ग्लासेस रखे हुए हैं और जो डेली यूज में काम आता है वो सारी चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पर रख के रखा हुआ है। नाउ कमिंग टू दिस शेल्फ, यहाँ पर भी मेरे सारे कुकर हैं, ये सब कढ़ाइयाँ हैं, पैन्स हैं, फ्राइंग पैन्स हैं, तो हमारे पास आपको टोटल स्टील का सामान मिलेगा। नाउ कमिंग टू दिस, यहाँ पर भी आपको सब कुछ सामान वही जो डेली यूज में प्लेट्स वगैरह है, दीज आर द प्लेट्स जो कि है बाय लारा बोरिसल, तो ये हम दो तीन निकाल के इसलिए रखते हैं बिकॉज इसमें पूरा पूरा खाना हम माइक्रोवेव में गर्म कर पाते हैं, तो ये वाली प्लेट्स हमने एक रख के रखी हुई है। यहाँ पर काफी अच्छा खासा स्पेस बच गया है, मीशो की है, तो यहाँ पर हम लोगों ने रखा हुआ है, ये काफी सस्ती मिली थी मुझे कंपेरेटिवली अमेजन से, तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है ये टिश्यू नैपकिन होल्डर और टिश्यू पेपर होल्डर, टिश्यू नैपकिन होल्डर। यहाँ पर हमारा चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ है जिसको मुझे चेंज करना है, काफी खराब हो गया है ये। ये एक स्नेक प्लांट है, ये हैंड वॉश है बिकॉज बार बार हैंड वॉश की जरूरत पड़ती है। पीछे आपको एक पेन भी दिख रहा होगा कुछ भी लिखने के लिए। यहाँ पर कुछ ग्लास के ग्लासेस रखे हुए हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। एंड ये है अगेन बोरोसिल का जग है, तो ये जो जग है दिस इज माइक्रोवेव फ्रेंडली एंड इवन आप इसको इस तरह से गैस के ऊपर भी रख सकते हैं, दिस इज दोनों कंपैटिबल है ये माइक्रोवेव एंड गैस के लिए, तो ये पानी गर्म करने के लिए, समटाइम्स मिल्क के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ये भी मैं आइकिया से लेकर के आई थी। ये क्या है ना, ये मुझे इसलिए इतना पसंद है क्योंकि ये पूरे सिंक को कवर नहीं करता है। वेजिटेबल्स वॉश करनी होती है या कोई ग्लास का आइटम है जो आप यहाँ नहीं रखना चाहते हैं वो आप यहाँ रख सकते हैं। कमिंग टू इसके ऊपर वाले सेक्शन में, तो ये मैंने DIY किया था पिछले किचन के लिए, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया हेलो सनशाइन, और यहाँ पर ये प्लास्टिक की जो यूज्ड बॉटल्स होती हैं जिसमें अमूल मिल्क आता है वो है ये, तो उसमें सिर्फ कलरफुल स्टोन्स डाल करके यहाँ पे मनी प्लांट लगाया हुआ है जो कि काफी सुंदर लगता है। अब आते हैं यहाँ से हम बाहर वाले सेक्शन में। और दिस इज़ अवर वॉश एरिया। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में बहुत नॉइस आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये हम लोगों की वॉशिंग मशीन है, ये हमारा क्लोथ ड्राइंग स्टैंड है जो भी क्लोज्ड है, ये मैंने दोनों जो थ्रो है वो वॉश करके रखे हुए हैं तो वो सूख रहे हैं। कमिंग टू दैट साइड, ये एक स्टोरेज एरिया दिया हुआ है तो आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। नाउ अब आते हैं यहाँ से इस साइड पे। नाउ दिस इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ द किचन। तो यहाँ पर ये हम लोगों का प्योरीफायर है, वाटर प्योरीफायर, दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक वाटर प्योरीफायर, ये है बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर प्योरेट। पहले तो इसके बैक साइड पे मैं बताती हूँ, यहाँ पर इसको आगे करते हैं। तो ये एक प्लास्टिक का स्टोरेज बॉक्स है, बहुत पुराना है ये, इसके अंदर हमारी सारी स्टील की जो बॉटल्स हैं यहाँ पर आपको दिख रही हैं, सब स्टील की बॉटल्स रखी हुई हैं। ये विक्की का सिपर है जिसमें वो अपना प्रोटीन शेक वगैरह सब लेता है, तो ये सारी हमने पीछे रख दी है। काफ़ी हैंडी है, यहाँ से आप आराम से ऐसे उठा सकते हो, ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से आप बार बार चीज़ें हटाएं। ठीक है, उसके साइड में आते हैं। अगर ये जो वाटर प्यूरीफायर है ये इसकी यहाँ पर जगह पे लगा हुआ होता तो ये जो कॉर्नर है ना मुझे खाली मिलता और मैं यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकती थी, बट नेवर माइंड, ये जो भी मिल रहा है उसमें भी आई एम वेरी हैप्पी। तो कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पर अगेन ये टू लेयर शेल्फ है, वही जो मैंने अमेजन से परचेस करी थी, और ये तीन जो है ये न्यू एडिशन है। दिस एरिया इज ऑल अबाउट थोड़े कलर्स ऐड करना था, थोड़ा बोरिंग बोरिंग सा हो रहा था तो आई वॉन्टेड टू जस्ट ऐड सम कलर्स। आई रियली लव ऐसे ब्राइट कलर्स, देखने में ना अच्छा लगता है, मन अच्छा अच्छा सा हो जाता है।
तो ये तीनों चीज़ें मैंने वेबसाइट से परचेस करी थी, इनके अंदर अपना अपना स्टोरेज है। यहाँ पर कॉफ़ी, टी एंड शुगर लिखा हुआ है। इसमें मैं कुछ स्टिकर लगा के DIY कर दूँगी तो ये पूरा हट जाएगा, वो मुझे हटाना है बट अभी टाइम नहीं मिला। और फिर उसके ऊपर आते हैं, तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर पॉट है जो मैंने, मुझे एक इंस्टाग्राम स्टोर ने सेंड किया था, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये फेक फ्लावर्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। एंड ये जो दो आप कंटेनर्स देख रहे हैं, ये सिरेमिक के कंटेनर्स हैं, बहुत ही क्यूट से हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। इनके ऊपर ये 3D इस तरह से पेंटिंग बना हुआ है, खाली है, इनमें कुछ भी नहीं है। अभी मुझे पता भी नहीं है कि इनमें क्या डालने वाली हूँ। ये मैंने होम सेंटर से लिया था, ये भी बहुत ही क्यूट सा है। देन ये कप है होम स्वीट होम के, मार्केट 99 का है। इसके बगल में आते हैं, ये मेरा पुराना चॉपिंग बोर्ड था जिसमें मैंने ये सर्विंग लव करके ऐसे बनाया है। पहले मेरे को एक स्पून और एक फोक दोनों चाहिए था, बट मेरे पास फोक अवेलेबल नहीं था, जो वुडन वाला आता है ना बैम्बू का, तो मैंने क्या किया, स्पून के अंदर ही फोक बना दिया, तो ये मैंने यहाँ रख दिया है। देन अगेन ये एक ब्यूटीफुल सा प्लांटर है जो मुझे इंस्टाग्राम पेज ने सेंड किया था, उस पर मैंने ये मनी प्लांट लगा दिया है। ना उसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पर ये इस तरह का एक बोर्ड था, उसके बैक साइड पे मैंने ऑलवेज बी ग्रेटफुल ऐसे पेंटिंग बना दिया है। एंड ये एक बहुत ही क्यूट सा कप है जिसको मुझे सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा कलर ऐड कर दूंगी इसमें। फिर एक शेल्फ मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, दिस इज़ लाइक अ स्टिक ऑन शेल्फ है ये, इसमें आपको ड्रिल व्रिल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर मैंने थोड़े कप्स ऐड करे, हमारे पास कलरफुल कप्स नहीं थे, ये तो ये न्यू एडिशन है सारा, ये मैंने मार्केट 99 से लिए हैं, मार्केट 99। ये मुझे सेंड किया था लेजी गार्डनर वालों ने, मैंने यहाँ पर कुछ फेक फ्लावर्स लगा दिए हैं पेस्टल कलर के, तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा एरिया लग रहा है, आप देख ही सकते हैं। इसके साइड में मैंने ये नेचुरल गार्डन ऐसी मन से ऐड कर दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ कलर्स ऐड करने थे। नाउ ये मेरा पुराना फ्राइंग पैन है जिसको मैंने संभाल के रखा था, और उसके ऊपर मैंने ये 3D बाइक ले ऐड किया है, और ये सब मैंने DIY जो हमने अभी बनाया वो ऐड किया हुआ है। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये, बहुत वन ऑफ माई फेवरेट अब तक का DIY है, ये इतना सुंदर लग रहा है। देन ये जो पुराना प्लेट नहीं होता है, जो सर्विंग प्लेट होता है, उसमें मैंने मील्स एंड मेमोरीज ऑफ मेड हेयर, ये भी DIY है। तो ये सब कुछ DIY यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। तो ये पूरा कॉर्नर किचन में वन ऑफ माई फेवरेट कॉर्नर है। नाउ अब आते हैं इस साइड पे, तो यहाँ पर हमारा ये रखा हुआ है अगारो का न्यूट्री ब्लेंडर, सो दिस इज अ न्यू एडिशन इन द किचन, ये है क्रोमा का फूड प्रोसेसर। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा माइक्रोवेव रखा हुआ है, ये माइक्रोवेव मुझे शादी में गिफ्ट में मिला था, तो ये वही है, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कैनस्टार। आएंगे तो आपको यहाँ पर ग्लास की लिड्स रखी हुई मिलेंगी, बिकॉज दीज आर द हैवी ग्लास लिड्स, एंड ये मेयर ब्रांड के जो मेरे पास कुकवेयर हैं उनकी हैं, तो इनको मैंने यहाँ ऊपर रखा हुआ है। देन उसके ऊपर हमारा वंडर शेफ का सैंडविच मेकर है, वो भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सारे यहीं पर ही हैं। उसके बाद ये एक नॉर्मल सी ट्रे है जिसमें जस्ट फेक फ्लावर्स मैंने ऐड कर दिए हैं, और ये एक और ट्रे है जिसमें, इसी के अंदर की ट्रे है ये, जिसमें मैंने इसके जो अटैचमेंट्स हैं वो यहाँ पर रख दिए हैं क्योंकि ये डेली में यूज आते हैं। माइक्रोवेव का जो स्टैंड है ये मैंने अमेजन से लिया था, अगेन मैं 2.5 साल से इसको यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी में, बहुत सस्ता लिया था, एंड मल्टीपर्पज है, काफी अच्छे से ये यूज हो जाता है। प्लेटफॉर्म है ये कुछ तरीके से दिखता है, यहाँ पर स्टिल काफी सारी स्पेस है कि आप छोटा मोटा काम कर सकते हो। प्लेटफॉर्म ये खुद ही इतना बड़ा है कि सब कुछ यहीं पे ही हो जाता है। और फ्रिज के साइड में और इस प्लेटफॉर्म के साइड में एक छोटी सी जगह थी, इसके लिए हमको ये एकदम परफेक्ट 3-4 शेल्फ का ये बहुत अच्छी शेल्फ मिल गई है, 4-लेयर शेल्फ मिल गई है। पर हमारे सारे अनियन पोटैटो जो है वो स्टोर हो जाते हैं। नाउ यहाँ पर सारी जितनी भी हमारी ग्लास की लिड्स हैं वो सब मैंने यहाँ रखी हुई है। उसके नीचे वाले सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक और चॉपर टाइप का है, एक तो ये सिंपल वाला चॉपर है और एक इलेक्ट्रिक चॉपर है। दिस इज अ मैनुअल चॉपर बाय पिजन जो बड़ा ही फेमस हुआ था, तो मैंने भी खरीदा था इसको, और एक इलेक्ट्रिक चॉपर है। ठीक है, शेल्फ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अंदर नहीं रख सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। ये हम लोगों का बोर्ड है, ये मैग्नेटिक बोर्ड है, यहाँ पर आप जो भी हम लोगों को सामान लाना रहता है ग्रोसरी का, वो सब हम इस पे नोट डाउन करते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं एक स्टोरेज बॉक्स रखा है, इसके अंदर मेरा एप्रन, किचन के जो क्लोथ्स होते हैं वो सब मैंने रख के रखे हुए हैं। नाउ कमिंग टू दिस साइड, ये हमारा फ्रिज है, फ्रिज पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीनरी एडेड है, तो ये मुझे सेंड किया था बाय लेजी गार्डनर वालों ने, PR प्रोडक्ट है ये, मैंने परचेस नहीं किया था। एंड यहाँ पर कुछ फ्रिज मैग्नेट्स हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से, ये जो आप फ्रिज मैग्नेट्स देख रहे हैं ये मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने सेंड किया था, जिनका इंस्टाग्राम पेज है, निहारिका नाम है उनका, बहुत ही ब्यूटीफुल उन्होंने भेजे थे। एंड ये जस्ट बेसिक सा फ्रिज है।
है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.